What's up guys, it's Simon and welcome back. Yes, back to the channel guys and welcome to Ryan Simulator guys. तो मैंने सोचा कि पेट्रोल पंप के साथ साथ क्यों ना कोई और साइड बिजनेस किया जाए, क्यों ना रेंच खोल लिया जाए, थोड़े से घोड़े, थोड़े से गधे और थोड़ी सी भेड़े, तीतर, बटेर और थोड़े से मुर्गे, मुर्गों के बहुत सारे अंडे, फिर उन अंडों से बहुत सारे मुर्गे, उनके लिए फिर जब उनका आमलेट बनेगा तो सॉस भी मैं ही दूंगा, और घोड़ों को तो मैं रेस में दौड़वाऊंगा, सट्टा लगाऊंगा, उसके बाद घरों को मैं किराए पर दे दूंगा, खूब माल ढोएंगे, खूब पैसा कमाएंगे साले, और उसके बाद भेड़ से बहुत सारी दादियाँ, उसके बाद बहुत सारे ऊन के गोले और बहुत सारे स्वेटर बनाएंगे, उनको मैं अमेज़न पे बेचूंगा। तो गाइस, इन शॉर्ट बहुत सारे पैसा कमाने वाला हूँ मैं पेट्रोल पंप के साइड में। और पैसा दो। तो गाइस, रैंच सिमुलेटर, अगर आपने अब तक आपने अभी तक गेम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थम्स अप द वीडियो, और आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए दोस्तों में, कहिए यो। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स प्ले रैंच सिमुलेटर गाइस। ओ शिट गाइस, तो पहले मुझे अपना कैरेक्टर बनाना है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एकदम सेक्सी वाला बनाऊं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, नहीं, ये तो सारे चूते लग रहे हैं यार। तो गाइस, हमने अपना कैरेक्टर क्रिएट कर लिया है कम से कम समय में और कम से कम दिमाग लगाए, क्योंकि क्या फ़ायदा, यहाँ पैसा कमाने आया हूँ, कोई पैसे शो करने थोड़ा ना है। गाइस, कैरेक्टर क्रिएट हो गया हमारा और हम अबे हाँ शो, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, फिर मैं एक बार सुन लेता हूँ, मैंने सुन ली गाइस। क्या सलामी देगा क्या? अच्छा, इसको बताना हुआ था, टॉप सीक्रेट है ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, टॉप सीक्रेट। पहली बात तो घंटा आवाज़ नहीं है, अगर मैंने कुछ डाला होगा तो वो सुनाई दे रहा होगा, नहीं तो अभी तो बिल्कुल सन्नाटा है। इससे देखेगा, इससे भागेगा, पहली बता रहे हम क्लियर है, बाद में क्या नाम है बटन नहीं बताए। रेंच में आपका स्वागत है, बड़ा ही सन्नाटा यार, वो मरमुर गया गया। फॉलो द ब्लू आइकन एंड रीड द लेटर। ओके, तो रीड लेटर है वहाँ पे एक मेरे लिए, बेबी गर्ल ने लिखा है कि आई लव यू, तुम बहुत अमीर बनने वाले हो तो मैं प्रपोजल भेज रही हूँ अपना। गाइस, हमारे पास लेटर आया, लेटर में लिखा है आई लव यू, मैं चिट्ठी उसने खून से लिखी है, ऐसा मत करो यार। मैं हेलो दादा, ये क्या? तो दादाजी थोड़ा ना, दादाजी ने तो मुझे बोला है, तो पोते सुन, अगर तू ये लेटर पढ़ रहा है तो तू एग्री हो गया है कि तू मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेगा। तब की आखिरी इच्छा मैं पूरी करूँगा क्या? घर पे आ जाओ, मैंने कुछ चीज़ छोड़ी है एटिक के अंदर, तुम्हारी मदद करेगी। क्या भूत भूत तो नहीं ना, आजकल एटिक में सिर्फ भूत मिलते हैं। मैं मुझे तुम्हें विश्वास है, ये फालतू बात है। तुम्हारे प्रिय दादाजी। ओके दादाजी, मैं आ रहा हूँ। ये करंट ऑब्जेक्टिव, घर में जाके रेडियो वॉल पे रेडियो से ऑन करो, टेंट ढूंढो। अबे साले, घर में जाकर टेंट ढूंढना है, ये मुझे बाहर सुलाएगा लगता है आज। एक तो टेंट ढूंढना है, मतलब टेंट ढूंढना था टेंट लगाने के लिए, या फिर टेंट लगा हुआ ढूंढना था, या फिर टेंट के अंदर टेंट है, दैट्स द क्वेश्चन। आर टू सेव गेम और ई टू स्लीप, आर टू होल्ड आर टू सेव गेम। गाइस, हमने काम कर लिया, टेंट ढूंढ लिया। ओके, अब हमें पड़े मरो है, अब हमें जाना है क्या बंगला मेरा, इसे बेच के एफडी करा दो यार, जरूरत क्या है रेंज वेंच खोलने की। खोलो बे गाइस, में एटिक में, अबे तो भारी बाहर से घर है सिर्फ, अब समझ में आया मैंने इसे बेचा क्यों नहीं। अबे तो गिर जाएगा कभी भी, कब्रिस्तान है तो, ये मेरे ऊपर ही गिरेगा लग रहा है। अब हमें यहाँ पे ये चलाना है, ओ ये है बैकग्राउंड म्यूजिक, आ गया भाई आ गया। रिमूव द ऑब्स्टैकल, फाइंड ग्रैंडफादर्स चेस्ट इन द एटिक, ऊपर की कोठरे में दादाजी की चेस्ट ढूंढो। दादाजी की चेस्ट, दादाजी ने चेस्ट वहाँ रखी हुई है, वो चेस्ट नहीं, छाती वाली चेस्ट नहीं, वो जिसमें खजाना होता है। गाइस, लेट्स डू दिस गाइस, हम आ गए हैं। टू डिस्ट्रॉय रिमूव आइटम सिलेक्ट द डेमोलिश मोड, अच्छा ये मोड सिलेक्ट करो और सब उड़ा डालो। ओके, आई गॉट इट। क्या बात है भाई, खा गया है तो इसे, अब मैं तो पूरा घर खा जाएगा, ये पूरा घर नहीं खाना है दोस्त, घर खाएगा तो मेरे ऊपर ही गिरेगा सबसे पहले, सीढ़ी वीढ़ी सब खा रहा है तो। रिमूव द ऑब्स्टेकल, फाइंड द चेस्ट अपस्टेयर। ओके, बैठ जा, एक मिनट इसे बंद करते हैं, अब हैंड आ जाओ, चलो एकदम पहुंच गए। पूरी चेस्ट दादाजी ने पूरा वो बना रखा है, को क्या कहते हैं, स्टेज नहीं होती कि अगर तुम सच्चे हो तो लेके जाओ, उसी को मिलेगी जो झुक के। ये क्या हो गया? अच्छा, आर पार का दिख रहा था मुझे चेस्ट में क्या। अब तो मुझे गुंडा बनाना चाहता है डाकू बेटा,
ये मेरी आखिरी निशानी है, कोई तुम्हें दिक्कत दे पेल देना उसे। ओके, हमारे पास है, मुझे घोड़े पालने हैं, मारने नहीं है। ये है हमारी बंदूक, ये है उसकी कुछ बची कुछी गोलियाँ, 2 रुपये और 1 लेटर। ये रिवॉल्वर ले लो और मेरे और जो भी सामने है गोली मार दो। नहीं, जंगल में लेके जाओ, वहाँ बहुत सारे जंगली आदमी नहीं एनिमल हैं जो तुम्हें दिक्कत देंगे। थोड़ा मैंने पैसा छोड़ा, उनको घूस दे देना, कहना अब से तंग मत करो। तुम्हें कार चाहिए होगी। गैराज के एंट्रेंस पे एक पुरानी सड़िया घटिया सेकंड हैंड यूटीवी पड़ी है, स्पेयर पार्ट चाहिए होगी तुम्हें सड़िया घटिया वाले, वो लेके आओ ठीक करो। अच्छा, ये दादाजी समझ नहीं आ रहा, काम पे लगा रहा मुझे हर चीज़ में। मैं यहाँ से नीचे गिरूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ओह, इतने सारे पार्ट हैं। अबे गाड़ियों को भाई इसने जला, वो क्या कहते हैं, अस्थियाँ बहा दी थी क्या गाड़ियों की? जो 20 जगह गाड़ियाँ के अस्थियाँ घूमी पड़ी हुई हैं। मुझे ये देख के ग्रैनी की याद आ गई, क्योंकि उसमें नीचे फिर यहीं से गिरते ना किचन में, हम नहीं किचन बाथरूम में मतलब अस्थियाँ जो बिखर गई हैं उन्हें लेके आना लास्ट तक, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगता है हफ्ते के हिसाब से बांटा है। संडे को ये फेंका, मंडे को वो फेंका। तो पहला है ये टायर। ओ, अबे एक एक करके उठाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, ये गराज है। ओके, यहाँ पे गराज का वो बड़ा डोर नहीं। अच्छा, ये दोरा, हाँ ये हुई ना बात। अब ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब उठाओ ये हमारा दूसरा टायर, ये लगाओ यहाँ पे। अब हमारा है, अब क्या, संडे मंडे हो गया, अब ट्यूसडे की बारी है। ये रहा ट्यूसडे, अबे सारे टायर ही मिल रहे हैं मुझे। ओके गाइस, चारों टायर लग गए हैं। अब हमें एक तो बहुत दूर है, तो 3 इधर है। ओके, ये क्या है? ओ, अब ऐसे तो कुर्सी भी उखाड़ के लग रखी हुई है, क्या चाहता था कोई इसे यूज़ ना करे। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं एक टाइम पे 2 सामान नहीं उठा सकता, ये बड़ी बसुड़ी वाली बात है। ओ, कुर्सी भी 2 है भाई, देख रहे हो, सिंगल सीट नहीं है, 2 वाली है, बेबी का ला सकती हूँ मेरे साथ। ये क्या है भे? ओ किवाड़, कैसे मैंने ये भी लगा दिया, ये पड़ा, ये क्या है ये? ओ, ये फ्यूल टैंक है। ओके, अब एक सीट रह गई बस, जो कि पल्ली पार है, उठा भे, उसमें लगाना है, ये लगा। गाइस, गाड़ी हो गई। प्लेस द जेरी कैन इन द यूटीवी कार्गो बेड यूजिंग ए। ओके, ये उठाया, ये यहाँ रखो। ओके, अच्छा ओके, हम एक मिनट, हम गाड़ी में, अच्छा गाड़ी में हम जा रहे हैं गैस लेने के लिए, ताकि इसमें हम गैस मतलब पेट्रोल डाल सकें। एल से स्विच लाइट, ओ भाई साहब, एफ से इग्निशन, ये तो सीरियसली लेगा भाई इस चीज़ों को। अबे जाना किधर है मुझे? अबे गैस स्टेशन है किधर, ये तो बताओ। गैस स्टेशन कितनी दूर है, यहाँ जाना है मुझे, ठीक है। ओ भाई क्या, अबे क्या हैंडलिंग है इसकी? अबे रुक जा भाई, तू तो बिल्कुल ही स्पोर्ट्स कार चला रहा है, ये खटे भाई साहब, इतनी खटारा कार इतनी बड़े गए चल रही है, क्या झोल जा रहा है ये? क्या लेने जा रहे हैं गए तुम? अरे हम गैस भराने जा रहे हैं, और थोड़ा और सामान लेना भी होगा लगता है हमें। गाइस, हम पहुंच गए, बस पहुंच गए, और बस पहुंच गए। अबे कितना ढुकेगा बे, रुक जा। अबे तो मेरी दुकान, ये तो मेरे ही स्टेशन पे आ गया भाई, सर भर दो पूरा। ओह, गोली छोड़ा दूँ, ऐसा करा क्या? और इसमें भरना, ई टू पुट इन। अब क्या, ओ पैसे कट रहे हैं मेरे, ओ भर गया। रिफ्यूल नहीं करना, हटाओ से अब। हाँ, मैंने ये जेरी कैन भर लिया, चलो यही भरना था। अब दोबारा से करते हैं, यस गाइस, हो गया। बहुत पैसे कट रहे हैं। टॉक विद द रियल एस्टेट एजेंट। ओके, अब हमें जाना है एक उसके पास, वो प्रॉपर्टी डीलर के पास, ठीक है। तो अब हमें जाना है एक कार डीलर के पास, नहीं कार डीलर के पास नहीं जाना है, हमें जाना है प्रॉपर्टी डीलर के पास। ओ, लेकिन हमें कार शॉप देख, अबे रुक जा, हमें कार शॉप देखनी है। अरे रुक जा भाई, ये तो भाई बहुत मुश्किल है गाड़ी चलाना इसके अंदर। ओए आराम से भाई चला। अबे बेवकूफ, हम आ गए हैं, और ठोक दी मैंने, बताना मत किसी को कि डेंट पड़ा है। मैं जरा पार्क कर लूँ ढंग से, अगले में कर लेता। हो गया। गाइस, बंद किया और हम बाहर निकला है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अंदर। हो, अच्छा हम कार के डीलर के पास जा रहे हैं, हमें कार चाहिए। बोलो भाई, यस सर, कैन आई हैव अ कार? कौन सी कार? ओह, ये कार तो मस्त लग रही है। एस्टेट एजेंट्स, यस इट्स मी, गुड डे, आर यू बाय एनी चांस, क्या आप रेंज के मालिक हैं? यस इट इज़ मी। इसके अंदर मैं आपको मैनुअल दे रहा हूँ कि बनाना कैसे है, क्या आदमी को या
रेंच, ये हेल्प करेगा कैसे रेंच रिबिल्ड करना है। ओके, सिर्फ रेंच में बनाते हो, बाहर सड़क पर नहीं बनाना। लकड़ी के प्लैंक आप खुद बना सकते हो, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो हार्डवेयर शॉप पर खरीद सकते हैं। ओके, समझ गया मैं। लेकिन वो डेटाल खोलते किससे? ओ बिल्ड, समझ गया मैं। अब जाओ बात करो सेल्स पर्सन से। ओ, इसे बोलता मुझे गाड़ी की ड्राइव कराओ और फिर मैं गाड़ी लेके भाग जाऊँगा, क्योंकि मेरे को पैसे नहीं है भाई। वेलकम सर, आप एक कार यहाँ पे खरीद सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। अरे बाप रे बाप, मेरे पास सिर्फ 433 रुपए हैं और सारी घटिया गाड़ी मेरे पास ऑलरेडी है वो $800 की। यहाँ कुछ नहीं होता भाई, 1600, 500 रुपये, 800 रुपये। ओ ट्रक भी है, बाद में आऊँगा भाई, अभी मेरी औकात नहीं है, मैं अभी सिर्फ रेडियो इंस्टॉल करा लेता हूँ। हम जा रहे हैं पीछे गराज में और हम वहाँ पर रेडियो इंस्टॉल करेंगे ताकि मैं अच्छे से गाने सुन सकूँ, क्योंकि अभी तो पता है बिल्कुल ही कौन सा गराज। अब अच्छा इस साइड ही है। ओ क्या शोरूम से छोटा साला गराज है, बाप रे बाप। नहीं ये सब नहीं, रेडियो $10 अपग्रेड। अब हम बोल सकते छोटी वाली नहीं, लेकिन मैं बड़ी गाड़ी लूँगा तो थोड़े पैसे और जोड़ता हूँ फिर लूँगा, ठीक है। अब क्या करना है, हार्डवेयर स्टोर रीच्ड। ओके, हमें हार्डवेयर स्टोर पे जाना है। कहाँ है वो गोला, किधर है? तो अब हम जा रहे हैं हार्डवेयर स्टोर, अगर मैं सही सलामत पहुँचा तो। अब इसकी इंश्योरेंस कराओ पहले तो साले, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं कहीं दे मारूंगा ऐसे कहीं किसी में। ओ हिरन क्या हाल चाल, तुझे भी रखूँगा मैं अपने रेंज पे। गाइस हम पहुँच गए हैं अब हार्डवेयर स्टोर में, हैं मुझे क्या ख़रीदना है? रुक जा भाई, ओ ठोक देगा तू। पहले तो लाइट बंद करो और इंजन बंद करो, बाहर निकलो, कोई नहीं आ पाएगा मेरे अलावा। अरे तो मैं भी नहीं आ पा रहा। अबे यार, ए टू एंटर कर, पीछे हो, पीछे हो। ओ पहले इंजन स्टार्ट करना होता है। एक कुल्हाड़ी और एक क्रोबार और एक सस्ती टिकाऊ आरी, ये चीप लगाना जरूरी था क्या? ओके, पहले मुझे चाहिए एक एक्स, ये मैंने एक्स ऐड कर ली, एक क्रोबार ऐड कर दिया और एक चीप टेबल सॉ, ये तो बहुत महंगी है, $245। ओके ओके, एक्स हो गई, क्रोबार और ठीक है, बहुत महंगा भाई ये, बहुत महंगा, सस्ता चीप भी बहुत, सबसे चीप सबसे महंगा है। चेकआउट, प्लेस टेबल सो इन कार, किधर है किधर? ओ ये रहा। ओके ओके, तो मैं ये उठाना है, पहले है ये। यार ये बड़ी चूतिया बंदी है कि मुझे एक एक करके उठाना पड़ेगा, ऐसे रियलिटी में तो ऐसे ही होता है, लेकिन बंदे होते हैं ना जो कहते हैं रखो। ओ, ये सब आ जाएगा इसके अंदर, एक मिनट भाई, ये बेचती नहीं है मेरी, मैंने पैसे दिए हैं इसके, इन्होंने सालों ने तो बाहर फेंका हुआ कि जा उधर कचरा पड़ा उठा ले, ये कोई बात हुई? मैं इज्जतदार आदमी हूँ सालो, भला पैसे नहीं तो क्या हो गया, लेकिन तुम्हें तो पैसे दिए मैंने। एक्स, ओ मैं तो रखने गया था, क्यों मेरे जेब में आ गया। टॉक विद द सेलर, सेलर की तरह। तो हम रेंच बनाने के लिए एक एक सामान इकट्ठा कर रहे हैं और हमने अभी तक बहुत कुछ खरीद लिया, हम जा रहे हैं जनरल स्टोर, वहाँ मैं दाल चावल लूँगा लगता है। चलो भाई साहब, ये तो कब्रिस्तान की एकदम सही जगह है, वो यहाँ यहीं बनेगी भूतिया फिल्में, यहीं बनती हैं एक्चुअली, रात के अंधेरे में इधर ही आता है वो। मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि तुमने मेरे बकाए पैसे वापस नहीं किए। राजू गुड्डी तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? गाइस हम पहुंचे जनरल स्टोर पे। अबे जनरल स्टोर है इसमें, यहाँ पे सामान क्या साला? वेलकम, परचेस करने के लिए टर्मिनल यूज करो। ओके ऐसी में जाओ, इन्हीं से मेरा पोल्ट्री फार्म शुरू होगा भाई। यहाँ दिखाना चाहिए क्या चाहिए मुझे। एक हमें चिकन चाहिए और क्या था, अंडे। अंडे तो ये दे देगा अपने आप ही, हाँ एक ही भाई, एक थैंक यू। ओके एक तो भाई अंधेरा इतना है ना, ठीक है मुर्गा। अबे तू मान जाएगा पक्का, तू मान जाएगा, अभी तेरा पेट भरा हुआ है और तूने पानी भी खूब पिया हुआ है, भागेगा तो नहीं साला है? ओए रे तू मेरी प्रॉपर्टी है साले, भाग मत, गला पकड़ का साले कैसे करके, हाल तू बोलो तो पेल दूंगा। मुर्गे तेरी शामत आई बेटा, खबरदार अगर उड़ा तो मारूंगा बहुत मैं। इतना अंधेरा थोड़ा ना होता, मैं गलत टाइम पे आ गया, अभी सुबह मुझे पहले सोना चाहिए था उसमें, फिर आना चाहिए था सुबह सुबह, क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा है। अब दूसरा क्या है, ये हमारी एग बास्केट, ये मैंने उठा ली, इसको भी रखते हैं यहाँ पे। ओ इसे रोटेट कर, आ गया। रेंच बनाने के लिए सामान ले लिया, रेडियो लगवा लिया, अब बस, और हमने ये मुर्गा भी ले लिया, अब हम घर जा रहे हैं। हर चीज़ की शुरुआत मुर्गे से ही होती है, समझ गया मैं। ओ नहीं, इधर से मत जा भाई, इधर से जा, रोड से जा, क्योंकि ओ भाई तूफान आ रहा लग रहा है, ये गलत बात है, इतनी रात को भी सामान लेना नहीं चाहिए। रात के नौ ही बजे हैं अभी, इधर बत्ती लगाओ यार। अच्छा घर पहुँच गया, चिकन को कहीं फेंको, अच्छा एक मिनट, इसे कहाँ रखना है मुझे तो बताओ, इसे कहाँ फेंकूँ, इसे लेके घूम रहा हूँ मैं। गाइस मुझे तो मैं सोना चाहिए पहले, अगर मैं सोऊंगा नहीं मुझे कुछ दिखेगा नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ पहले। भाई इस मुर्गे को फेंकू जरा, मैं सुन चुपचाप ही घूमता रहा, मैं सोने जा रहा हूँ। गेयर अटेंट, गाइस हम सो रहे हैं, सुबह हो गई है, फाइनली मुझे कुछ दिखेगा। अगर उठो, ये ग्रेन उठा ली, अच्छा है
अब यहाँ खाना दे, यहाँ फेंकना। ओके पर अगर तेरे ऊपर गिर जाएगा ये बोरी, ओवर ऑन द ग्राउंड। खा ले नखरे, क्या कर रहा है पहले, क्या बटर चिकन लेके आऊँ? बकेट ढूंढो, वाटर टैंक ढूंढो। ओके बकेट तो ये रही, यहाँ रखो वाटर टैंक। ओके तो मैं अभी इसे मुर्गे को यहीं पाल रहा हूँ, ठीक है इसे रखते हैं यहाँ पे। ये मयूर जाएगा थाला। अब पानी कैसे भरूँ मैं? ओ ई टू इंस्टॉल, देख रहे हो भाई, देख रहे हो बेरा जादू, देख रहे हो हवा में। अच्छा मुझे इसे इंस्टॉल करना था, देख रहे हो बाल्टी भाई हवा में है। यूज बिल्ड ऑप्शन इन सर्कल मेन्यू। ओके ओ ये दड़बा बनाना मुझे इसका। ओके तो दड़बा बनाएंगे हम यहाँ पे। ओ ये यहाँ नहीं लग सकता, भारी लगेगा, ठीक है। ओ हिरन आ गए मेरे इलाके में। प्लेस टेक जेरी कैन, टेबल्स ऑफ फूड, वुड, चॉप डाउन ट्रीज एंड प्रोसेस दोस लॉग्स इन द सॉ मिल। ओके आप उठाओ जेरी कैन, फिलहाल जेरी कैन को रखो यहाँ पे, ठीक है ये मैं लगाऊंगा यहाँ पे, लग गया। अब इसे मैं फ्यूल भरना है इसके अंदर, ई टू इंसर्ट, ये हुई ना बात। अब हमें लकड़ी उठानी है और ओ समझ गया मैं, ओ ओ ये काम करना है मुझे, स्मॉल कूब बिल्ड। ओ इससे हम बनाएंगे, कहाँ बनाया था मैंने वो? ओहो एक मैंने उस पार बनाया और एक मैंने उस पार बनाया, तो बड़ी बसूड़ी है यार। ई टू इंसर्ट, कितने चाहिए? 15। अब बाप रे बाप, एक और जाओ ये भी उठाओ। अब ऐसे तो एक पेट्रोल खत्म हो जाएगा फटाफट से, मजदूरी करनी पड़ेगी भाई, मुझे पेड़ काटने पड़ेंगे। ओए काम छल्ला मेरे, मेरा इलाका है, भाग जा यहाँ से बता रहा हूँ मैं, भाग गया साला। बारिश कितनी होती है अबे, तो पेड़ गायब हो गया भाई, ये डाला। ओके कहाँ गए? दो हैं और एक पेड़ को काट देता हूँ मैं, तू भी काट। क्या आदमी है, फट पेड़ काट दिया साले ने, जल्दी 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 साले बाहर मत भाग दी, बता रहा हूँ इससे इससे बाहर जाते ही फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा लोगों को। यह पंद्रहवा दड़बा, ये पंद्रहवा दड़बा नहीं, ये पंद्रहवा प्लैंक आखिरी, और इससे बन जाएगा दड़बा। ये जाली कहाँ थी मुझे नहीं पता, डोंट आस्क मी। ओके गाइस तो हमने मुर्गी का दड़बा बना लिया, अब तो साले यहाँ रहेगा, बहुत घूम रहा था ना खलियान में, चुपचाप पहुँच जाइए अंदर टाइम से। एटिक उड़ानी है, सेकंड फ्लोर उड़ाना है, फर्स्ट सब उड़ाना है। ये घर ठीक नहीं सकता, ये रिपेयर से परे है, इसे उड़ा डालो। आ रहा हूँ मैं, मार डालूँगा, काट डालूँगा, आ रहा हूँ मैं, रुक जाओ। डेमोलिश ये थी, वो पूरा घर गायब हो गया भाई। अब ये गायब करना भी था, अब ये गायब नहीं करना था, दूसरा घर गायब करना था। मैं भावना में भह गया, मैंने यही तोड़ दिया भाई, शुक्र मैंने वो नहीं तोड़ा। आ गया मैं, आ गया, रुक जाओ, आ गया आ गया आ गया, सब डिमोलिश कर दूंगा मैं, पहले फर्स्ट फ्लोर तोड़, सब तोड़ दो, सब तोड़ दो मैं। ओह अबे इससे अच्छा तो बुलडोजर लेता और चला देता सबके ऊपर, एक एक करके तोड़ेगा। तो क्या है ये, बहुत बढ़िया बहुत तोड़ दे, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये तोड़ गया, बहुत बढ़िया लड़के, ये मिटाओ, बहुत बढ़िया। अरे तोड़ो, पागल हो गया साला, सब तोड़ देगा। ये भी क्या, वो पहले अंदर तोड़ो, ये भी वो मैं तोड़ दिया भाई। गाइस रेडियो वो भी गया भाई, मेरा रेडियो भी गया, दादाजी का रेडियो गया, उनकी आखिरी निशानी गई भाई। ये हटाओ, सब तोड़ो भैंस की पूछ। ओ भाई ओ भाई, ओ छत्ती गिर दी मैंने तो, अब तो ओ गिर गया भाई, मैं जमीन जमीन तोड़ दी मैंने। ओके गाइस तो हमने अभी एटिक डिमोलिश कर दिया है और अब हम तोड़ेंगे अगले गेम प्ले में। भाई अब इंडियन लोग तो ऐसे ही काम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए गेम बिट्स को। आई एम गोना सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय गाइस। और थक गया भाई मैं, थोड़ा मारते मारते मेरे हाथ दुख रहे हैं, एक दिन में इतना ही काम होगा, कल आना, ठीक है, बाय गाइस।